एक डिजास्टर जो अवॉइड किया जा सकता था, एक बिजनेस जो एक्चुअली में एक प्रॉफिटेबल ही नहीं बल्कि एक कैश मशीन बन सकता था। दिस कंपनी इज ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग एंड फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी अगेन। ये स्टोरी बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भरा है। WeWork, once a venture capital darling, has filed for chapter 11 bankruptcy. ये स्टोरी बहुत सारे बिजनेस लेसन से भरा है, राइट फ्रॉम बिग बिजनेसेस टू स्मॉल बिजनेसेस टू इवन अ टिपिकल एम्बिशियस पर्सनल लाइफ। ये स्टोरी है WeWork की। सो बिफोर वी प्रोसीड, लेट्स सी कि आपको क्या क्या मिलने वाला है इस वीडियो में। नंबर वन, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द मार्केट अट्रैक्टिवनेस। नंबर टू, WeWork's स्मॉल बैकग्राउंड। नंबर थ्री, देयर बिजनेस मॉडल। नंबर फोर, व्हाट वेंट रॉन्ग। नंबर फाइव, WeWork इंडिया। नंबर सिक्स, What's next? Number 7, what could have been done to bring in more revenues? And number 8, being the business student, वो क्या business lessons हैं जो हमें इस पूरे story से मिलता है? किसी भी ambitious startup को खड़ा करने के लिए उनके ecosystem में क्या क्या चाहिए? Well, if you ask me, तो मेरा answer होगा co-founder, having complementary skills, motivation, few experts or mentors to help, an environment, और of course, एक space जहां से startup operate हो सके। और बस स्टार्टअप ही नहीं बल्कि एक फ्रीलांसर को भी ऑलमोस्ट कुछ इसी तरह के पिलर्स चाहिए। नाउ इमेजिन अ प्लेस जहां पर ये सारी चीज़ें एक साथ मिले, राइट फ्रॉम अ प्लेस टू नेटवर्क विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट स्टार्टअप्स जो आपको आपके स्टार्टअप के लिए यूजफुल रिसोर्स ही नहीं बल्कि क्या पता वो आपका पहला क्लाइंट भी बन जाए। एक ऐसा प्लेस जहां कोजी एंड मोटिवेटेड एनवायरनमेंट मिले और साथ में कुछ एक्सपर्ट्स भी, और ये कॉन्सेप्ट कोवर्किंग स्पेस कहलाता है। सो इन सिंपल टर्म्स, प्रॉब्लम जो कोवर्किंग स्पेसेस के थ्रू सॉल्व होती है वो है एक ऐसे प्रोडक्टिव जगह की जहां पर आपके स्टार्टअप को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अलावा किसी और चीज़ों का टेंशन नहीं लेना है। बाकी सारी चीज़ें जैसे कि साफ सफाई, वाईफाई, कैफे, जेरोक्स एटसेट्रा का ध्यान कोवर्किंग स्पेसेस रख लेते हैं। अब क्योंकि इक्विपमेंट्स कॉमन होते हैं सारे स्टार्टअप्स या कोवर्किंग स्पेस के मेंबर्स के लिए, तो कॉस्ट पर रिसोर्स काफी कम हो जाता है। कोवर्किंग स्पेसेस में बुकिंग्स सिंगल चेयर से टेबल से लेके पूरी रूम फॉर द टीम एंड इवन कॉन्फ्रेंस रूम तक बुक होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली 3,000 रुपए पर मंथ पर वन सीटिंग या फिर 100 रुपए पर डे पर वन सीटिंग एंड 10 सीटिंग के टेबल के लिए 30,000 रुपए पर मंथ प्लस अदर एमिनिटीज, जहां उतने से स्पेस के लिए 50,000 लग सकते थे, ऊपर से मेंटेनेंस अलग। अगर ग्लोबल कोवर्किंग स्पेस मार्केट की बात करें तो ये इंडस्ट्री अभी $9.2 बिलियन की थी इन 2022, जो 2032 तक $34.5 बिलियन की हो सकती है, ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 14.6% CAGR, और यही ग्रोथ इंडिया में 16% CAGR का है फ्रॉम 2021 टू 2026। एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई 91 स्प्रिंग बोर्ड, उनके 60% मेंबर्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके कोवर्किंग कम्युनिटी से ही मिला, और डेस्क मैक के एक सर्वे के अनुसार 77% लोग जो कोवर्किंग स्पेसेस यूज करते हैं उन्होंने ये बिलीव किया है कि उनका कोलैबोरेशन और दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ कोऑपरेशन पहले से ज्यादा बढ़ा है। विच मींस जब मेंबर्स यानी कि जो पे कर रहे हैं स्पेस को यूज करने के लिए उनको फायदा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोवर्किंग स्पेसेस को फायदा होगा। एंड इन सारे स्टैट्स को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोवर्किंग स्पेस एज अ सेक्टर है काफी अट्रैक्टिव। इफ वी लीव अदर फैक्टर्स लाइक एक्सटर्नल, मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिनके इफेक्ट के बारे में हम आगे देखेंगे। अगर आपने WeWork के बारे में पहले पढ़ा होगा देन आप अगले सेक्शन पर स्किप कर सकते हैं, बट अगर नहीं या फिर आप फिर से देखना चाहते हैं इन डिटेल, तो लेट्स डाइव इनटू अ स्मॉल बैकग्राउंड। WeWork कभी एक कोवर्किंग स्पेस की चेन रही ही नहीं थी, बल्कि इट वॉज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, एक खुशनुमा प्रोग्रेसिव कम्युनिटी एक्सपीरियंस जो कोवर्किंग स्पेसेस से ज्यादा नहीं कई ज्यादा थी। WeWork एक टेक कंपनी है एज पर इट्स फाउंडर रादर देन अ रियल स्टेट कंपनी। वो एक SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नहीं बल्कि स्पेस एज अ सर्विस टेक कंपनी है जो सॉफ्ट बैंक के फंडिंग से जस्ट पहले ट्रांसफॉर्म हुआ था। ओके, सो एक क्विक व्यू, WeWork के co-founder एडम न्यूमैन WeWork शुरू करने से पहले हम और आप जैसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज के साथ घूम रहे थे, एंड वो छोटे बच्चों के लिए नी पैड्स और वुमेन के लिए फोल्डेबल हील तक सबको बेचते थे। लेकिन बी स्कूल्स के कंपटीशन में वो इनका नहीं बल्कि हमेशा शेयरिंग कम्युनिटी की बात करते थे, एंड वहीं पर अपने कोफाउंडर मिगेल से मिले जिनके साथ उन्होंने अपना पहला कोवर्किंग स्टार्टअप ग्रीन डेस्क शुरू किया। और क्योंकि वो इतने अच्छे सेल्समैन हैं उन्होंने बस उस एक कोवर्किंग स्पेस को कुछ मिलियन डॉलर्स में बेचा, क्योंकि उन्होंने उस कोवर्किंग स्पेस को एक
इको फ्रेंडली कोवर्किंग स्पेस के रूप में एस्टेब्लिश किया था। एंड क्योंकि वो ये कोवर्किंग मॉडल समझ चुके थे, सो विद द मनी दीज कोफाउंडर्स रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ग्रीन डिस्क, उन्होंने वीवर्क की स्थापना की। और इस बार वो वीवर्क को भी एज अ कोवर्किंग स्पेस नहीं बल्कि एक कॉन्शियस प्रोग्रेसिव कम्युनिटी एक्सपीरियंस के रूप में पोजिशन किया और लोगों के मन में टैगलाइन डाला, थैंक गॉड इट्स मंडे। और फिर क्या था, उनके यूनिक पोजीशनिंग की वजह से लोग उनसे जुड़ने लगे। विवक ने एक ऐसा कम्युनिटी बिल्डअप करना शुरू किया जहां लोगों को फ्री में सारी अमेनिटीज, स्पेशियस एरियाज और फ्रीक्वेंट पार्टीज दी जाती थी। एंड लोगों को ये वर्क एनवायरनमेंट और अट्रैक्ट करने लगी और विवक ग्रो होने लगा। 2011 में पेप्सिको ने अपने कुछ एम्प्लॉयज विवक में प्लेस किया जो विवक के स्टार्टअप्स को गाइड करने लगे और विवक एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर की तरह भी फेमस होने लगा। 2013 तक आते आते विवक के कस्टमर बेस में 350 स्टार्टअप आ गए, इंक्लूडिंग नेम्स लाइक फिटोक्रेसी एंड हैक हैंड्स। 2014 में विवक वॉज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट ग्रोइंग लीजी ऑफ न्यू ऑफिस स्पेस इन न्यूयॉर्क और वो जल्द ही द फास्टेस्ट ग्रोइंग लीजी ऑफ न्यू स्पेस बनने वाले थे पूरे अमेरिका के। और बहुत जल्द विवक के पास 60% का मार्केट शेयर था पूरे अमेरिका के कोवर्किंग स्पेस में। और अब मिस्टर एडम को जीनियसिस के रूप में कंसिडर किया जाने लगा था और साथ में एडम के एस्पिरेशंस और भी ज्यादा बढ़ने लगे थे। लेकिन कुछ इश्यूज थे जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। बहुत सारे जगह पर जो टेनेंट्स यानी कि ऑफिस स्पेस के मालिक थे वो स्पेस को देने में हेजिटेट कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस, नंबर वन स्मॉल लीज पीरियड एंड नंबर टू लेस रेंटल इनकम। और क्योंकि एडम के लिए एक्सपेंसेस से ज्यादा ग्रोथ इंपॉर्टेंट था, उन्होंने ब्लिट्ज स्केलिंग मेथड का यूज किया। ब्लिट्ज स्केलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्टार्टअप वर्ल्ड में जहां सस्टेनेबिलिटी से ज्यादा ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है। और वो बेसिकली तीन की टेक्निक्स पर बेस्ड होते हैं, नंबर वन डिजाइनिंग इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, स्ट्रैटेजी इनोवेशन विच इंक्लूड्स बिल्डिंग ग्रोथ फैक्टर्स इनटू मॉडल थ्रू नेटवर्क इफेक्ट एंड इंप्लीमेंटिंग अ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी दैट सपोर्ट्स दैट अग्रेसिव स्पेंडिंग। और तीसरा है मैनेजमेंट इनोवेशन। इस मेथड का यूज आप स्टार्टअप्स लाइक ओला, उबर, जोमैटो, एयरबीएनबी एक्सेट्रा में भी देख सकते हैं जो लॉस सह के फंडिंग उठा के ग्रो करते हैं और अपने बिजनेस मॉडल को रिनोवेट करके प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक इसी तरह विवक को ग्रो करने के लिए लीज पीरियड को बढ़ा दिया गया और रेंट्स को भी ऑलमोस्ट डबल दिया जाने लगा। लेकिन इन सबसे एक ऐसा तूफान था जो मिस्टर एडम इग्नोर कर रहे थे एंड दैट वॉज कैश बर्न। विवक की प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव थी इन कंपैरिजन टू अदर कोवर्किंग स्पेसेस, लेकिन लैविशनेस के चलते वो एबिटा नेगेटिव चल रहे थे। इन्वेस्टर्स इस बात को इसलिए इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि ये कभी ना कभी ठीक हो जाएगा एक बार जब स्केल अचीव हो जाए तो। और सॉफ्ट बैंक के मिस्टर मासायोशी सान का हाथ एडम के सर पर हमेशा से था, इसलिए जब भी फंडिंग की जरूरत पड़ती थी वो हेल्प कर देते थे जस्ट बिकॉज कि उन्हें एडम पर भरोसा था। मासायोशी सान को एडम में एक स्पार्क दिख रहा था, लेकिन ये बबल तो एक ना एक दिन फूटना ही था और धीरे धीरे करके बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया और फ्रेड की स्ट्रेटजीज की नाकामयाबी सबके सामने आने लगी। और जब उनके एक वीसी इन्वेस्टमेंट फर्म ने इन्वेस्टिगेशन किया तो जो चीज सामने आई उसने सबको हिला कर रख दिया और असली पिक्चर उसके बाद खुलकर सामने आने लगी। अब ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आना लाजमी है कि विवक का मॉडल देखने से काफी प्रॉफिटेबल लगता है। किसी भी एक लार्ज वर्किंग स्पेस के लिए बिल्डिंग या फिर एक फ्लोर लो एंड देन उन स्पेसेस को टुकड़ों में बांटकर सारे एक्सपेंसेस मिला के प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करो एंड देन आप स्पेस के हिसाब से स्टार्टअप्स या फ्रीलांसर्स किसी को भी उस प्राइस रेंज पर काम करने के लिए जगह दे दो एंड देन यू हैव अ रिकरिंग रेवेन्यू, मतलब कि वो रेवेन्यू जो आपको हर महीने आता रहेगा एंड कभी लॉस बेयर करना ही नहीं पड़ेगा। वेल, ये बात इन्वेस्टर्स ने भी सोचा था। Okay, because they are growing so quickly and they're investing into the capex, right? Yep. But it's a recurring revenue. It's an ongoing recurring revenue. It's like a subscription. So what went wrong? Before going a step further, let's get into important economics and few facts. 2008 में जब वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ही खराब कंडीशन में स्ट्रगल कर रही थी एंड ऑल थैंक्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, 2.6 million jobs were cut from the economy last year. That's the greatest decline since 1945. जिसके कारण कई लेऑफ्स हो रहे थे, बिजनेसेस बंद हो रहे थे और कंपनीज खुद को बचाने के लिए सारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स ले रही थी। एंड प्रॉफिटेबल होने का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि रिड्यूस द एक्सपेंसेस, इंक्रीज रिवेन्यू। एंड एक्सपेंसेस का मेजर हिस्सा
इम्प्लॉय सैलरी एंड रेंट और ऑफिस मेंटेनेंस पर जाता है। एंड 2008 में रियल एस्टेट क्राइसिस होने के बावजूद भी रेंटर्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। अब वो क्यों? तो उसका जवाब है अगेन टू सेव मनी। सी 2008 के रिसेशन में बिजनेस ओनर्स ने कैश क्रंच के चलते ऑफिस स्पेसेस को बेचकर छोटे रेंटल स्पेसेस पर जाने का डिसीजन लिया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव लिक्विडेशन एंड ऑल्सो टू हैव सम कैश इन देयर हैंड्स। और ये सच इस डेटा से प्रूव होती है कि इवन दो घर सस्ते हो रहे थे लेकिन रेंटल्स या तो सेम थे या फिर और ज्यादा बढ़ रहे थे। रेंटल स्पेसेस में शिफ्ट करने के बाद भी ड्यू टू हाई रेंटल्स उन्हें एक्सपेंस के रेंटल वाले पार्ट से छुटकारा नहीं मिला था एंड स्टिल एक्सपेंसेस वेर वेरी हाई। सो कमिंग बैक कंपनीज स्टार्टेड लुकिंग फॉर द स्पेसेस विच वॉज लाइटर ऑन देयर पॉकेट, मतलब कि सस्ता ऑप्शन। देयर वर सेवरल जॉब कट्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्रीलांसिंग कल्चर बढ़ने लगा। स्मॉलर कंपनीज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स फ्रीलांसर्स एंड फ्रीलांसर्स वे अर्निंग मोर देन देयर जॉब। और ये जो फ्रीलांसर्स एंड स्टार्टअप्स थे इन्हें बस कुछ चीजें चाहिए थी, अफोर्डेबल ऑफिसेस, नंबर टू नेटवर्किंग, नंबर थ्री और ऐसी जगह जहां वो अपने काम के अलावा किसी दूसरे झंझट में ना पड़े। एंड एडम ने शेयरिंग वर्किंग स्पेसेस को अपने वेंचर के थ्रू और इंटरैक्टिव बनाया जिससे लोगों की ये तीनों नीड्स फुलफिल हो सके। एंड गेस व्हाट, एवरीवन लव्ड इट। प्रॉपर्टी ओनर्स पहले से ज्यादा कमा रहे थे, क्लाइंट्स को कम दाम पर स्पेसेस एंड सारी फैसिलिटीज भी मिल रही थी। एडम हैड अ मॉडल फॉर अर्निंग अ ह्यूज मनी। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वेयर वी हैड लेफ्ट, देन व्हाट वेंट रॉन्ग? और इसका आंसर है एवरीथिंग। नंबर वन, देयर बिजनेस मॉडल। नंबर टू, रैपिड ग्रोथ। नंबर थ्री, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नंबर फोर, poor expansion and unnecessary acquisition. Number 5, their investors. Number 6, founders' key discrepancies. And number 7, unnecessary long-term debt. WeWork किसी जगह को long-term lease पर लेता था और उन्हें short-term पर rent करता था क्योंकि they were focused more on smaller groups जैसे कि छोटे startups, freelancers, etc. जिसके कारण वो cash flow regular नहीं हो पाता था। और जैसे ही COVID आया, everything fell apart. कोई office space नहीं use कर रहा था लेकिन WeWork को ये rent pay करना पड़ रहा था। And जहां extra amenities के लिए बाकी co-working spaces पैसे charge करती हैं, वहीं WeWork सब कुछ फ्री में दिया करता था, इवन बियर्स भी। तो भले ही प्राइसिंग कुछ भी हो, प्रॉफिट से ज्यादा उनका लॉस होता जा रहा था एंड इस सच को कवर करने के लिए वो और पैसे रेस किए जा रहे थे, इग्नोरिंग द फैक्ट दैट दे वर इन लॉसेस। एंड मोर देन दैट, मिस्टर एडम ने न्यू टेनेंट्स के लिए फ्री रेंटल्स भी अनाउंस कर दिया था। रैपिड ग्रोथ एंड वैल्यूएशन के चक्कर में वो फंड्स रेस करके WeWork स्पेसेस खोले जा रहे थे, इवन इन टायर 2 एंड टायर 3 प्लेसेस जहां उनकी डिमांड उतनी थी ही नहीं। तो जब डिमांड नहीं था तो ऑक्यूपेंसी रेट भी कम थी एंड जिसके चलते दे हैड टू लूज आउट फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। एंड उसके ऊपर से वो स्पेसेस को ऑक्यूपाई करने के लिए रेंट भी ज्यादा पे करने लगे और लीज पीरियड भी बढ़ाने लगे, विच अगेन लेड टू अननेसेसरी लॉसेस। एंड डू यू नो, WeWork हैड वेरी कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। WeWork वॉज इक्वल टू मिस्टर एडम न्यूमैन। एडम के एक शेयर पर 20 वोटिंग राइट्स रखे थे। दैट गेव एडम न्यूमैन मोर पावर देन द कंपनीज अदर स्टेक होल्डर्स। उन्हें कंपनी के बोर्ड से कोई और नहीं हटा सकता था जब तक मिस्टर एडम न्यूमैन ना चाहे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बैक देन वॉज दैट WeWork एक टेक कंपनी की तरह वैल्यूएशन ले रही थी एंड इवन दे ट्राइड हार्ड टू कन्विंस द वर्ल्ड दैट दे आर टेक स्टार्टअप। They lost $1.6 billion on $1.8 billion revenue in 2019. And this ability of burning money and nothing else may seem like they were a tech startup. There were lots of discrepancies in their governance. Many a times they made a culture जहां लड़कियां safe नहीं थी। They made a party culture जहां लड़कियां बिल्कुल safe नहीं थी। Even after knowing all these, कोई action नहीं लिया जाता था। Same जैसा Uber के केस में हुआ करता था। एंड इतना ही नहीं, इवन आफ्टर नोइंग की कंपनी का रनवे कम है एंड दे वुड नॉट बी एबल टू मेक प्रॉफिट्स, नो वन फ्रॉम द कंपनी इन्फॉर्म्ड द बोर्ड मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट दिस। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स, इंस्टेड ऑफ नीट प्रॉफिट एंड लॉस टेबल फॉर मैच्योर एंड ग्रोथ लोकेशंस, WeWork कैलकुलेटेड कम्युनिटी एडजस्टेड एबिट्टा। अब आप बोलोगे कि एबिट्टा तो सुना है पर कम्युनिटी एडजस्टेड एबिट्टा कभी नहीं सुना। एग्जैक्टली। So in simple terms, it was designed to say to investors that ignore these costs because they don't matter to their core economics, and due to which
investors could not detect the real losses. Mr. and Mrs. Adam had another obsession with the word we, which is why they diversified into unrelated businesses having the same togetherness in mind. So instead of vertical expansion approach, they opted for horizontal expansion, जहां उन्होंने co-living के लिए we live and schooling के लिए we grow खोला. And guess what? वो $42,000 चार्ज कर रहे थे एक साल के एडमिशन्स के लिए इनटू वी ग्रो. यहाँ वो अपने लॉसेस को ठीक नहीं कर पा रहे थे एंड दे वर एक्सपैंडिंग. दे इवन एक्सपैंडेड इनटू बैंकिंग सेक्टर बट फेल मिजरेबली. राइज बाय वी वर्क वॉज अ जिम कंपनी. ऑल्सो दे ओपन मेनी स्पा फैसिलिटीज अंडर द बैनर ऑफ वी. ये डाइवर्सिफिकेशन देख के द इन्वेस्टर्स स्पेशली सॉफ्ट बैंक हैड अ ग्लिटर इन द आईज. और बिना जाँच पड़ताल किए वो पैसे पंप इन कर रहे थे. एडम ने बहुत सारे एक्विजिशंस पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किए थे, लाइक वेव गार्डन जो आर्टिफिशियल वेव पूल कंपनी है, और वहां के टॉप सर्फर्स से नेटवर्क करने के लिए उनकी फर्म हेरगॉल जो कि एक ग्रास होपर फार्म था उसे भी एक्वायर कर लिया. और भी कई अनरिलेटेड एक्विजिशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स थे, लाइक फ्लैटरन स्कूल जो कि एक कोडिंग स्कूल है, मिशन यू, मीटअप एटसेट्रा. एंड दीज आर मोर एक्विजिशंस दैट वीवर्क हैड मेड. एडम न्यूमन ने कंपनी में भी बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी की, लाइक उन्होंने विवक को मैकडोनल्डाइज किया. वो प्रॉपर्टी खरीद कर उसे विवक को रेंट पर देने लगे, वो भी अपने नाम पर. उसके साथ साथ उन्होंने विवक से बहुत सारे लोन्स भी लिए, वो भी ऑलमोस्ट नील इंटरेस्ट रेट पर. मतलब कि मॉडल तो अच्छा था लेकिन उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए. अगर ये मॉडल विवक की सब्सिडियरी के रूप में की जाती तो बात कुछ और होता. द मोस्ट फनी पार्ट, ही बॉट द ट्रेडमार्क वी ऑफ विवक and then later sold the trademark to WeWork for almost $6 million, $5.9 million to be precise. उन्होंने खुद के लिए प्राइवेट जेट खरीदा, बहुत सारे लग्जूरियस घर जैसे चीजें खरीदी, जबकि कंपनी उस समय लॉस में थी. वो प्राइवेट जेट्स पर इंटरनेशनली मारुआना भी कैरी करते थे जो कि बहुत सारी कंट्रीज में इलीगल था. ही इवन सोल्ड हिज शेयर्स वॉर्थ $700 million बिफोर द IPO. अब आप बोलोगे कि ये सब आपके लिए जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि यहीं पर आपको इसका आंसर मिलेगा. वाई ऑन दिस अर्थ विवक इंडिया इज प्रॉफिटेबल जब दुनिया में सारे विवक्स फेल हो रहे हैं. देर आर वेरियस ग्रेट रीजन्स बिहाइंड इट एंड यू विल रियली लव इट. नंबर वन, विवक इंडिया में विवक INC जो कि पूरे दुनिया में विवक चलाती है ओन्स वेरी लेस परसेंटेज. एंड एम्बेसी ग्रुप जो कि इंडियन रियल स्टेट कंपनी है विवक इंडिया में 73% स्टेक ओन करती है. मतलब कि विवक ग्लोबल के एक्शंस का बहुत ही कम इम्पैक्ट विवक इंडिया पे पड़ा. नंबर टू, उनके फोर पीस बहुत ही सस्टेनेबली स्ट्रांग है. विवक बस 7 टायर 1 सिटीज में ऑपरेट करता है जहां उन प्रीमियम शेयर्ड ऑफिसेस की डिमांड होती है. फ्रीबीज बहुत ही लिमिटेड हैं और इंडिया में विवक ऑफिसेस में ओपन स्पेसेस भी बहुत कम होते हैं, दस रिवेन्यू पर स्क्वायर फीट और बढ़ जाता है. एम्बेसी ग्रुप के लैंडलॉर्ड्स एंड रियल स्टेट नेटवर्क की वजह से रेंट भी उन्हें काफी रिजनेबल देना होता है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज इन फाइंडिंग आउट द डील्स एंड द स्पेसेस. नंबर थ्री, इंडिया में विवक मेजॉरिटी एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप्स या कंपनीज पर फोकस करता है जिससे कि लॉन्ग टर्म रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट हो पाती है. एंड देयर अदर सर्विसेज इंक्लूड्स ग्लोबल विवक पास, विवक लैब्स फॉर स्टार्टअप्स, ऑन डिमांड डे पास, वर्चुअल ऑफिस, इवेंट्स एंड शूट्स and advertisements and a studio to record podcasts. Fourth major region है उनकी sustainable expansion. India में वो WeWork Global की तरह expand नहीं कर रहे हैं बल्कि सोच समझ कर market research करके expand कर रहे हैं. अब अगर इन्हें combine करें तो हम देख पाएंगे कि WeWork India WeWork के सिद्धांत को follow भी कर रही है और साथ में जैसे business होना चाहिए वैसे operate भी कर रही है. ये केस स्टडी बस एक केस स्टडी नहीं है जो हम सबको देखना चाहिए, बल्कि ये एक ओशन है टू लर्न एंड स्केल इवन स्मॉलर बिजनेसेस. IPO के पहले जब मिस्टर एडम को विवक से निकाला गया, सॉफ्ट बैंक केम इन एंड उसके बाद IPO हुआ और फिर से रिसेंटली रिवर्स IPO हुआ जिसके बारे में आप थिंक स्कूल के इस वीडियो के आखिरी 4 से 5 मिनट में जान सकते हैं. अब चलते हैं इस पूरे केस स्टडी के सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन्स की तरफ. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, शेयरिंग स्पेसेस की सारी कैटेगरी चाहे को लिविंग हो या फिर को स्टडिंग, सारी स्ट्रैटेजीज 100% इम्प्लीमेंट होती हैं. एंड इवेंचुअली ये सारी स्ट्रैटेजीज अदर बिजनेसेस में भी मैक्सिमम इम्प्लीमेंट होगी ही होगी. एडम न्यूमैन एक बहुत अच्छे सेल्समैन है एंड ही टॉट अस द वेरी फर्स्ट लेसन दैट स्टोरी सेल्स. एडम वॉज अ हीरो नॉट वीवर्क एंड ही ऑलवेज सोल्ड स्टोरीज टू एवरीवन इन इकोसिस्टम. मतलब कि वो हमेशा सपना, कॉन्शियसनेस, लिविंग देयर लाइफ और अचीवमेंट के बारे में बोल के विवक को बेचते थे
और जिसके कारण वीवो की अलग पोजिशनिंग बनी थी, विच वॉज द सेकेंड लेसन, क्रिएट अ यूनिक पोजिशनिंग व्हेन यू कांट डिफरेंशिएट विद द प्रोडक्ट। थर्ड लेसन जो हमें मिलता है वो है कि हमेशा कस्टमर को सेंटर में रख के कोई भी अप्रोच लो। पहले मार्केट में बर्निंग नीड आइडेंटिफाई करो, मार्केट रिसर्च करो और फिर ऐसा डिफरेंशिएशन वाला प्रोडक्ट ऑफर करो जो कोई नेग्लेक्ट ना कर पाए, जैसे कि जियो ने किया, जिसके कारण सारी टेलीकॉम कंपनीज ने सर पकड़ लिया एंड जियो एंटर्ड इनटू ब्लू ओशन फ्रॉम कट थ्रोट रेड ओशन ऑफ टेलीकॉम कंपनीज। फोर्थ लेसन, ऑलवेज हैव हंगर एंड विजन टू ग्रो बट सस्टेनेबली। एलेक्स की बुक 100 मिलियन डॉलर ऑफर्स में भी उन्होंने यही कहा है कि जब तक आपका बिजनेस 100 मिलियन डॉलर के रेवेन्यू को टच ना करे, आप एज अ स्मॉल बिजनेस दूसरे प्रोडक्ट के बारे में ना सोचे। फर्स्ट यू शुड डू एक्सपेंशन विद द सेम प्रोडक्ट एंड देन मूव ऑन टू डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और डाइवर्सिफिकेशन रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, WeWork India अभी बस एक्सपैंड कर रही है ताकि वो रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके एंड द रिजल्ट्स आर वेरी क्लियर। WeWork India 2021-22 के लास्ट क्वार्टर में ही प्रॉफिटेबल हो गई थी एंड जब वो डिजायर्ड रेवेन्यू तक पहुंच जाएंगे तो वो अपने आप को अलग फील्ड में भी डाइवर्सिफाई करेंगे। एक्सपैंड वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली मतलब कि प्रोसेसेस एंड असॉर्टमेंट्स और हॉरिजॉन्टली मतलब कि वैरायटी। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके अच्छे से जान सकते हैं। द नेक्स्ट लेसन इज फॉर्म डिफरेंट कंपनीज टू इंक्रीज वैल्यूएशन एंड सेल्स बट फॉर ईच एक्सपेंशन बी ऑथेंटिक। और इसमें ही मेजर कंपनीज डिस्क्रिपेंसीज करती हैं। एडम ने बिल्डिंग्स खरीद कर WeWork को ही रेंट पर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स ने रियल स्टेट खरीदने के लिए अलग कंपनी बनाई है जो वो अपने फ्रेंचाइजी को बेचते हैं। STP एंड 4P हैज टू बी मास्टर्ड इन ऑर्डर टू ग्रो सस्टेनेबली। इसके बारे में भी आपको अच्छे से ऊपर वाले वीडियो में मिल जाएगा। द नेक्स्ट लेसन इज एथिकल लीडरशिप मैटर्स। चाहे एडम के अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो या फिर BNC टाइप शेयर्स, रिजल्ट्स ऐसा हुआ कि WeWork उससे अभी तक निकल नहीं पाई है। द नेक्स्ट इज फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी ओवर ग्रोथ। फोकस हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी पर होना चाहिए ओवर रैपिड एक्सपेंशन। एंड एट लास्ट, एज एन इन्वेस्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ड्यू डिलीजेंस को अच्छे से समझें एंड अनप्रूवन बिजनेस मॉडल्स लाइक WeWork के शेकी बिजनेस मॉडल के इन्वेस्टमेंट रिस्क को समझें। WeWork इंडिया एक प्रीमियम कोवर्किंग स्पेसेस के रूप में पोजीशन है फॉर लॉन्गर लीज एंड हायर रेंटल्स फॉर टायर 1 सिटीज, जहां एक महीने का लोग टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में बस 1500 रुपए तक देते हैं, WeWork में वो 8000 रुपए तक आता है। तो ये सोचिए कि अगर WeWork को नए सेगमेंट को टारगेट करना हुआ लाइक टायर 2 टायर 3 सिटीज, तो उनके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1, या तो वो अपनी पोजिशनिंग ऑफ प्रीमियम एंड ट्रस्ट को खराब करें, या फिर वो सारे जगह अलग अलग प्राइसेस रखें सिमिलर टू टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस उसके पोजिशनिंग को बिल्कुल धुंधला कर देगा। तो अगर WeWork को फ्यूचर में और सेगमेंट में एक्सपैंड करना हुआ सस्टेनेबली, तो वो क्या करेगा? एंड द आंसर टू दिस इज डिफरेंट प्रोडक्ट रेंजेस। जैसे कि ओयो में ओयो ओ कलेक्शन है फॉर प्रीमियम रेंजेस एंड गुड क्वालिटी, ओयो स्टे ऑन है फॉर बेसिक एंड चीपर फैसिलिटीज। आई रियली थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी पेशेंटली एंड आई होप दैट वी एडेड सम काइंड ऑफ वैल्यू टू योर बिजनेस स्किल्स। इस वीडियो का इतना लंबा होना बहुत जरूरी था, नहीं तो इस केस स्टडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमसे छूट जाते। और अगर टीम नोट्स का ये एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव या रिलेटेड लगा होगा, तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे हमारे नोटिफिकेशंस मिस ना हो, क्योंकि हम एज अ ग्रुप ऑफ MBA स्टूडेंट्स एक मिशन पे हैं, अ मिशन टू मेक बिजनेस एजुकेशन एक्सेसिबल एज वेल एज फ्री। अब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड योर फैमिलीज़।